हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ, वेलकम इन ईवीएस लेक्चर। दिस इज अवर 20th लेक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अनीता एंड द हनी बीस स्टोरी एंड लर्न हाउ टू सी इज स्ट्रगलिंग टू मेक हर लाइफ बेटर। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम मोर अबाउट दिस। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड अप टू दिस अबाउट द वर्कर बीस। Now one question over here. Here which are some other insects that live together in a group like honeybees? भाई honeybees के अलावा और कौन कौन से insect हैं जो कि group में रहते हैं? तो एक तो ant है, right? फिर जिसको हम गुजराती में मकोड़ा बोलते हैं, it's also a one type of ant. तो वो भी group में रहती है। फिर wasp मधुमक्खी की तरह एक आती है जो कि मधुमक्खी की तरह ही छत्ता बनाती है, हाइव बनाती है, वो वास्प, वो भी ऐसे रहती है। फिर टर्माइट, आपके घर में अगर अपने एल्डर्स को पूछोगे तो टर्माइट मतलब जो लकड़ी को खाने वाला कीड़ा होता है वो भी ग्रुप में रहता है। ओके, तो अभी तो वो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले के ज़माने में उसका इतना जिसको कहर बोल सकते हो था कि घर की लकड़ियां हैं वो खोखली हो जाती थी, कुर्सियां, टेबल, सब कुछ। तो उसके लिए हमको स्पेशल पेंट करवाना पड़ता था। नाउ ओवर हियर एंट लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बी। देखो एंट भी हनी बी की तरह ग्रुप में रहती है। द क्वीन एंट लेस द एग्स, द सोल्जर एंट्स लुक आफ्टर द गार्ड द एंट्स नेस्ट। अभी यहाँ पर भी क्वीन एंट है, वो अंडे देती है, और इसमें जैसे हनी बी में वर्कर बीस थी तो यहाँ पर और एक कैटेगरी है, सोल्जर एंट है और गार्ड एंट है। तो सोल्जर एंट है वो किसका ख्याल रखती है? तो कि गार्ड एंट का और नेस्ट का, इन दोनों का ख्याल रखती है। वर्कर एंट आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट। और एक कैटेगरी है, इसमें भी वर्कर एंट है हनी बी की तरह, तो वो क्या करती है, वो पूरा दिन खाना ढूंढती रहती है और जहाँ से खाना मिले उसको अपने नेस्ट तक लाती है। टर्माइट एंड वास्प ऑल्सो लिव लाइक दिस। देखो आया ना, टर्माइट है और वास्प है, वो भी इनकी तरह ग्रुप में रहते हैं। हैव यू सीन वेयर एंट्स लिव? आपने देखा है कि भाई एंट कहाँ रहती है? वो तो भाई हम सब ने देखा है, हमारे घर में कहीं पे भी कोने में भी वो छोटा सा होल बना के नीचे अपनी कॉलोनीज बना लेती है। और बाकी तो जैसे जहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर उसके बहुत बड़े बड़े ऐसे नेस्ट होते हैं मिट्टी में। वॉट काइंड ऑफ ईटेबल्स अट्रैक्ट एंट्स, लिस्ट देम। कि एंट को भाई खाने लायक कौन कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट करती है? तो शुगर है, जेगरी है, ऐसी जो स्वीट चीज़ें हैं, टॉफ़ी है, चॉकलेट्स है ना, ऐसी चीज़ें। बाकी तो वो हर चीज़ खा लेती है, वो वेज भी है, नॉन वेज भी है। इंसेक्ट भी कहीं मिलेगा तो उठा के ले जाएगी, कोई रोटी का टुकड़ा होगा तो भी ले जाएगी, लेकिन उसको स्वीट चीज़ें ज़्यादा पसंद है। लुक एट अ लाइन ऑफ एंट्स, वॉट इज इट्स कलर। एंट की लाइन को देखो और बताओ कि उसका कलर क्या है। तो मोस्टली मैंने तो टू टाइप्स के कलर की एंट देखी है, एक ब्राउन कलर के जैसी होती है और दूसरी ब्लैक कलर की होती है। हैव यू बीन बीटन बाय एन एंट? वॉट वॉज द एंट लाइक, ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल? कि भाई आपको कभी एंट ने काटा है तो वो कैसी लग रही थी दिखने में, ब्लैक थी या रेड थी, बड़ी थी या छोटी थी? तो देखो वो जो रेड वाली एंट होती है, मोस्टली एंट में दो टाइप की होती है, जैसे मैंने बोला एक रेड कलर जैसी होती है और एक ब्लैक छोटी। तो वो जो ब्लैक वाली छोटी एंट होती है वो हमें नहीं काटती है, लेकिन रेड वाली जो एंट होती है वो हमें काटती है और वो थोड़ी बड़ी होती है। डू एंट्स एवर कम नियर यू? व्हेन? आपके पास कभी एंट आई है और कब? तो मोस्टली तो एंट हमारे पास नहीं आती है,
जब तक कि हम उसके जहाँ पर वो उसकी लाइन जा रही है उसके ऊपर अचानक से आ जाए या जहाँ पर खाना गिरा है, वरना वो हमारे पास नहीं आती है। लुक केयरफुली एट सम बिग एंड स्मॉल एंट्स, हाउ मैनी लेग्स डज एन एंट हैव। कि भाई आप है ना कि छोटी और बड़ी एंट को आपको करीब से देखना है और उसके कितने पैर हैं वो आपको गिनने हैं। तो मोस्टली मेरे ख्याल से तो एंट के 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं और एक पैर उसकी विस्कस जैसे होते हैं। देखो यहाँ पर एंट बताई है, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ एंट कैसी होती है। ये देखो ये है ना, ये उसके विस्कस जैसे होते हैं जिसकी मदद से वो स्मेल कर सकती है अच्छे से और अपने दुश्मनों को और अपने ग्रुप के दूसरी एंट्स को पहचानती है। और ये 3 है वो उसके लेग्स हैं, 3 पैर, ये वन पैर, ये सेकंड पैर और ये थर्ड पैर, ये 3 पैर उसकी लेग्स हैं, 3 पैर्स, पैर नहीं बोल रही हूँ, पैर, पैर मतलब जोड़ी, 3 जोड़ी उसके पग हैं ऐसे। नाउ बिग एंट, बड़ी एंट के कितने पैर होते हैं और स्मॉल एंट के कितने होते हैं। तो भाई मैंने केयरफुली तो अभी बड़ी और छोटी को नहीं दिखाया, मुझे तो दोनों एक ही जैसे लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैं आइडेंटिफाई करके आपको डेफिनेटली आंसर दूंगी। नाउ ड्रॉ एन एंट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। तो ये भी आपकी टास्क है कि भाई आपको एंट को यू शुड हैव टू वॉच क्लियरली एंड देन ड्रॉ इन योर बुक सो दैट यू कैन रिकग्नाइज अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ एंट। व्हाइल ईटिंग पीनट्स यू प्रोबेबली थ्रो अवे द सेल्स, व्हाई डोंट यू ट्राई टू मेक सम इंसेक्ट्स बाय यूजिंग द सेल्स, डू नॉट फॉरगेट टू कलर देम। यहाँ पर बताया है कि पीनट मतलब हम जब मूंगफली खाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर वो नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी रिसेंटली बहुत आती है। तो जब हम मूंगफली खाते हैं तो उसका जो ऊपर का कवर होता है वो हम फेंक देते हैं, राइट। तो इसमें बताया है कि आप उससे कुछ चीज़ क्यों नहीं बनाते हो। जैसे देखो अभी रिसेंटली इसने बोला था उसमें से एंट बन सकती है, उसको अच्छे से कलर करो, उसमें पैर लगा दो छोटे छोटे तो वो एंट बन जाएगी। ओके, नाउ टुडे आवर दिस चैप्टर नंबर 5 इज कंप्लीटेड ओवर देयर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, ओमानास जर्नी, मतलब ओमाना नाम की किसी लड़की की ट्रिप के बारे में, जर्नी के बारे में यहाँ है। ओमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वेर वेरी एक्साइटेड, दे वेर गोइंग ऑन अ ट्रिप, ट्रेन ट्रिप टू केरला। ओमाना वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड राधा वॉज गोइंग विथ हर फैमिली फॉर अ होलीडे। ओमाना'स फादर हैड गॉन टू बुक ट्रेन टिकट्स फॉर बोथ द फैमिलीज। ओमाना है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड राधा के साथ एक ट्रेन की ट्रिप पर जा रही है जो कि केरला के लिए है। केरला में उसके ग्रैंड मदर रह रहे हैं तो वो उसके घर जा रही है, और राधा है वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर हॉलीडेज मनाने जा रही है। तो ओमाना के जो फादर हैं उन्होंने दोनों फैमिली के लिए ट्रेन की टिकट बुक की है। देन जस्ट 2 डेज बिफोर देयर जर्नी राधा फेल डाउन फ्रॉम हर बाइसाइकल एंड फ्रैक्चर्ड हर राइट लेग, हर लेग वॉज पुट इन प्लास्टर। अब क्या हुआ कि उनको जिस दिन जर्नी पर जाना था बिल्कुल 2 दिन पहले उनके, राधा अपनी साइकिल से गिर गई और उसके राइट लेग में फ्रैक्चर आ गया। हर लेग वॉज पुट इन प्लास्टर, द डॉक्टर सेड दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 वीक। राधा'स फैमिली हैड टू कैंसल देयर टिकट्स। द 2 फ्रेंड्स वेर वेरी सैड, दे हैड मेड सो मैनी प्लान्स अबाउट वॉट दे
वुड डू टुगेदर ऑन द ट्रिप. सॉरी. अब क्या हुआ कि डॉक्टर ने उसके पैर में प्लास्टर बांध दिया और उसने बोला कि भाई आप है ना कि 6 वीक तक इस पैर को हिलाना नहीं है. तो ऐसा सोच जब सुना तो राधा के पेरेंट ने डिसाइड किया कि भाई हम ये ट्रिप ही कैंसिल कर देते हैं. तो ये दोनों फ्रेंड है बहुत उदास हो गई क्योंकि उन्होंने इस ट्रिप को लेके बहुत सारे प्लान बना के रखे थे. देन राधास अम्मा हैड एन आइडिया. ओमाना व्हाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी. देन व्हेन यू कम बैक राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप. दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन. तो फिर राधा की मदर ने एक आइडिया सूझा कि वो बोले कि ओमाना तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो कि तुम अपनी ट्रिप के बारे में एक डायरी लिखो, और जो डायरी लिखोगी तो उससे क्या होगा कि जब तुम वहाँ से केरला से वापस आओगी तो राधा वो पढ़ेगी और उसको भी जर्नी का आनंद मिलेगा और ट्रेन में तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा. तो आज के लेक्चर में मैं यहाँ तक ही कर रही हूँ. अगले लेक्चर में हम आगे क्या चैप्टर डिस्कस करेंगे. टिल दैट टाइम गुड बाय एवरीवन.